हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल न्यूज़। सो गाइस, आज के इस वीडियो में आपसे बात करूंगा वावई के तीन नए फोन, वावई नोवा 5, नोवा 5 आई एंड नोवा 5 प्रो। सो गाइस, हम आज इसी फोन्स के बारे में बात करने वाले हैं। बात करेंगे क्या है इसकी स्पेसिफिकेशंस, क्या कुछ आपको इन फोन्स में देखने को मिलने वाला है। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, पहले बात कर लेते हैं इन तीनों ही फोन के प्रोसेसर की। तो यार, नोवा 5 प्रो में आपको देखने को मिल जाता है वावई का क्रीन 980 प्रोसेसर, और अगर हम नोवा 5 की बात करें तो इसमें आपको वावई का किरीन 810 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। और अगर हम बात करें नोवा 5 आई की, तो यार इसमें आपको वावई का किरीन 710 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। सो गाइस, ये तीनों ही फोन EMUI 9 पे वर्क करते हैं विद एंड्रॉइड 9 पाई। सो गाइस, ये तीनों ही फोन में आपको EMUI 9 एंड एंड्रॉइड 9 पाई देखने को मिल जाता है। और अगर हम इन तीनों ही फोन की प्राइसिंग की बात करें, तो यार यहाँ पर नोवा 5 प्रो आता है दो वेरिएंट में, और इसके फर्स्ट वेरिएंट की प्राइस यार 30,100 रुपीज, जो कि है 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज के साथ में। और अगर हम इसके सेकंड वेरिएंट की बात करें, तो वो है 8GB रैम विद 256GB स्टोरेज के साथ में विद प्राइस पॉइंट ऑफ 34,100 रुपीज। और अगर हम बात करें नोवा 5 देखने को मिलता है, जो कि है 8GB रैम विद 128GB स्टोरेज, जो कि 28,000 के अराउंड यार इंडिया में आ सकता है। और अगर हम बात करें नोवा 5 आई की, तो इसमें आपको दो वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं 6GB रैम विद 128GB स्टोरेज, जिसकी प्राइस आपको इंडिया में देखने को मिल सकती है 20,000 रुपीज। और अगर हम बात करें नोवा 5 आई के सेकंड वेरिएंट की, तो वो है 8GB रैम विद 128GB स्टोरेज, जो कि आपको इंडिया में 22,000 रुपीज के अराउंड देखने को मिल सकता है। और अगर हम इसकी लॉन्च डेट की बात करें, तो नोवा 5 प्रो और नोवा 5 आई चाइना में यार 28 जून को यार लॉन्च हो जाएंगे, जिनकी अभी बुकिंग चालू है यार, आप चाहो तो बुक कर सकते हो। और अगर हम नोवा 5 की बात करें, तो वो यार चाइना में 20 जुलाई को लॉन्च होगा। जी हाँ दोस्तों, ये इन दोनों ही फोन से थोड़ा लेट लॉन्च होगा 20 जुलाई को, और इसकी बुकिंग 13 जुलाई को चालू हो जाएगी। और अगर हम फोन के डिस्प्ले की बात करें, तो आपको नोवा 5 और नोवा 5 प्रो में तो 6.9 इंचेस का फुल HD डिस्प्ले देखने को मिल जाता है विद पिक्सल रेजोल्यूशन 1080 पिक्सल्स इनटू 2340 पिक्सल्स OLED डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाता है। और इन दोनों ही फोन में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है। और अगर हम इनके फोन की बैटरी की बात करें, तो इन तीनों ही फोन में आपको 4000mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है विद 40W इसके फास्ट चार्ज के सपोर्ट के साथ में। और अगर हम इनके कैमरास की बात करें, तो इसमें आपको 5 प्रो एंड 5 में आपको यहाँ पर दोनों ही फोन में 4 कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है विद 48 मेगापिक्सल्स का प्राइमरी कैमरा, 16 मेगापिक्सल्स का वाइड एंगल लेंस एंड 2 मेगापिक्सल्स का एक डेप्थ मैपिंग कैमरा और 2 मेगापिक्सल्स का एक माइक्रो कैमरा। और अगर हम 5e की डिस्प्ले और कैमरा की बात करें, तो पहले बात कर लेते हैं हम 5e के 5i के डिस्प्ले की, तो उसमें आपको 6.4 इंचेस का फुल HD डिस्प्ले देखने को मिल जाता है विद पंच होल। तो गाइस, इसमें आपको पंच होल देखने को मिल जाता है, और बाकी दोनों फोन में यार आपको वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिलती है। और अगर हम इसके कैमरा की बात करते हैं, इसमें आपको 24 मेगापिक्सल्स का 1.8 एपेचर के साथ में f1.8 एपेचर के साथ में कैमरा देखने को मिल जाता है। और सेकंड कैमरा की बात करते हैं, इसमें आपको 8 मेगापिक्सल्स का अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिल जाता है। और थर्ड कैमरा की बात करें, तो इसमें आपको 2 मेगापिक्सल्स का डेप्थ मैपिंग लेंस देखने को मिल जाता है। और अगर हम इसके फोर्थ कैमरा की बात करें, तो इसमें आपको 2 मेगापिक्सल्स का माइक्रो कैमरा भी देखने को मिल जाता है। सो गाइस, यही थे ये तीनों फोन्स के स्पेसिफिकेशंस। सो होप सो आपको ये तीनों फोन पसंद आए होंगे। सो गाइस, आपको कौन सा इन तीनों फोन में बेस्ट लगा वो नीचे चाहिए कमेंट करके बताइए। आपको कौन सा फोन बेस्ट लगा, क्या कुछ आपको लगता है कि इसमें आपको इंडिया में देखने को मिल सकता है, कितने प्राइस पॉइंट में देखने को मिल सकता है, जाइए नीचे कमेंट कीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिएगा। और सही, और गाइस, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करूँगा कि नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक की लिंक देखने को मिल जाएगी। वहाँ पर यार हम सारी चीज़ें यूट्यूब से पहले उसकी एक स्टोरी अपलोड कर देते हैं, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि यार नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक क्या होने वाला है, नेक्स्ट वीडियो की एक क्लिप, जिससे आपको पता चलेगा कि नेक्स्ट वीडियो कैसा होने वाला है। सो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ साथ बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, जिससे कि क्या होगा कि हमारे किसी भी नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक लिए टाटा, टेक केयर।